मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही शिक्षा को लेकर गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसरों और दूसरे कर्मचारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल लगातार बुधनी एसडीएम को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि शासकीय महाविद्यालय में न प्रोफेसर समय पर आते हैं और न ही समय पर कॉलेज के ताले खुलते हैं, जिस पर बुधनी एसडीएम राधेश्याम बघेल ने अपनी टीम के साथ शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया, जहां 12 बजे तक महाविद्यालय के सभी गेटों में ताले नजर आए। वहीं एसडीएम के कॉलेज पहुंचने की खबर लगते ही एक प्रोफेसर और चपरासी मौके पर पहुंच हुए, जिसके बाद एसडीएम ने प्रोफेसर को जमकर फटकार भी लगाई। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को शासकीय महाविद्यालय में अनियमितताओं से अवगत कराकर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। मुझे बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ के कॉलेज में ना तो पढ़ाई हो रही है, ना प्रिंसिपल आते हैं, ना टीचर आते हैं। आज मेरे द्वारा इसका औचक निरीक्षण किया गया और ताला बंद पाया गया, सिर्फ चौकीदार यहाँ पाया गया और कोई भी स्टाफ उपस्थित नहीं है, जबकि कार्यालयीन समय 10 से 6 है और मैं लगभग 12:45 बजे के आसपास आया हूँ, यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। इनके खिलाफ़ हम शासन को लिखेंगे।